नमस्कार साथियों, आप सभी को नवरात्र के सातवें दिन की बहुत बहुत बधाई। सोचिए, नारी को इस हद तक और इतनी बेशर्मियों में सिंगुलराइज करना, उससे इस तरह से रूढ़िबद्ध करना, कन्वेंशलाइज करना, ये चल रहा है आजकल की बुद्धिजीविता में। और ऐसे लोगों को क्या हम वनवासी समाज की भावनाओं का प्रतिनिधि कहेंगे, ये महिषासुरों को? क्या ये उलटपंथी स्वयं भी ऐसे विचारों को सब्सक्राइब करने की ताब ला पाएंगे जो कि महिषासुर बोलता है या शुंभ निशुंभ बोलते हैं? किसी वनवासी को क्या इस तरह से बार बार राजन या महाराज कभी कहा जाता था? क्या वह अंदाज स्पष्टता सामंती नहीं है? किस वनवासी का संपूर्ण भूमंडल और स्वर्ग पर राज हुआ? क्या वनवासियों का रसशास्त्र ऐसा होता है? क्या ऐसी निष्पत्तियों से वनवासी समाज का अपमान नहीं किया जा रहा है? वे आदिवासी यदि इन राक्षसों के संदर्भ में किए गए प्रचार के बाद इनके मुरीद यदि बन भी रहे हैं, तो इसलिए बन रहे हैं क्योंकि राक्षसों के बारे में वे स्वयं साक्षर नहीं हैं। ये शुंभ महोदय तो स्त्री को एक छूट भी देते हैं। वे कहते हैं कि सिर्फ बदसूरत स्त्री जो है वही युद्ध योग्य है। और उनके शब्द यूं हैं, मार्कंडेय पुराण में उसका वर्णन इस तरह से आता है। तब भगवती जगदम्बिका काली से कहती हैं कि तुम कुरूपा के साथ लड़ने की अभिलाषा वाले इस दैत्य को युद्ध में मार डालो। शुंभ महोदय के हिसाब से उसी स्त्री को लड़ना चाहिए जिसके लंबे ओंठ हों, नखों में कुरूपता भरी हो, शरीर की कांति धूमिल हो, भयानक मुख हो, बड़ी बड़ी टांगे हों, दांत कुरूप हों और बिल्ली के समान पिंगल वर्ण की भयानक आंखें हों। साथ ही उसके मुख से कठोर वचन भी निकलना चाहिए, तब मैं युद्ध में तत्पर होऊंगा। ये शुंभ बोलते हैं और देवी कहती हैं कि अरे मूर्ख, अपनी विवेक शक्ति खोकर क्यों व्यर्थ प्रलाप कर रहा। तो जब देवी मूर्ख कहती हैं तो हमारे यहाँ ऐसे मूर्खों को आज के जमाने में महान वर्णित कैसे किया जाने लगा है, उनको लॉयनाइज कैसे किया जाने लगा है? देवी के जो शब्द हैं उनका इस्तेमाल इन्हीं के लिए क्यों नहीं होना चाहिए? ये जिस नैरेटिव को बदलना चाहते हैं बदलें, लेकिन कम से कम पूर्व के उस नैरेटिव का पूरा पाठ तो करें। ये तो समझें कि राक्षसों से सहानुभूति के चक्कर में वे नारी अस्मिता को रौन तो नहीं रहे। राक्षस अपने कर्मों और विचारों के कारण राक्षस हैं। ये सही है कि कोई भी कथा अलग अलग परिप्रेक्ष्य में अलग अलग तरह से पढ़ी और समझी जाती है, और पराजित का परिप्रेक्ष्य समझना भी एक बौद्धिक संक्रिया है, यह भी मैं मान लेता हूं। लेकिन उस परिप्रेक्ष्य को राक्षसी परिप्रेक्ष्य कहिए ना, क्यों उससे आदिवासी या दलित जैसी आधुनिक श्रेणियों में बांधते हैं? वहीं आपके इरादे नेक नहीं लगते। यदि महिषासुर स्वयं महिषासुर होने से अपने अस्तित्व की वैधता नहीं कमा पाता और उसे समकालीन वर्गों में आरक्षित कर ही उसकी कहानी का वैकल्पिक पाठ किया जा सकता है, तो महिषासुर वहीं पराजित हो गया। दरअसल उसके बहाने ये एक स्ट्रेटेजिक ऑडियंस की खोज है, और इस रणनीतिक श्रोता वर्ग को सुनाने के लिए जब ये कोशिशें की जा रही हैं तो उसके विवरण भी तो चाहिए होंगे। ये विवरण जो है कल्प कथा को लोक कथा बनाकर नहीं ढूंढे जा सकते। दलित के नाम पर स्त्री के अपमान का लाइसेंस नहीं कमाया जा सकता कि जैसे एक महाविद्यालय के एक सहायक प्राध्यापक जो हैं वो 22 सितंबर 2017 को एक ट्वीट लिखकर अपनी जाने कौन सी कुंठा का निवारण करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि दुर्गा इज द सेक्सी प्रोस्टिट्यूट इन इंडियन माइथोलॉजी। इस ग्रंथि के उस स्फोट को जो है हम कैसे क्षमा करेंगे जबकि इसके कोई विवरण नहीं मिलते हैं, इसके कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। सिर्फ अपनी तरफ से खोजे गए क्लासिफिकेशंस हैं, अपनी तरफ से खोजे हुए वर्गीकरण हैं जो आधुनिक हैं, लेकिन उनको जो है उस पुरातन उस सनातन पर जो है आरोपित किया जा रहा है, यही पूरा खेल है। इसलिए जरूरी है कि ऐसे विकृत पाठों के मुकाबले में दुर्गा सप्तशती को स्वयं पढ़ा जाए, वही अपील आपसे मैं कर रहा हूं। यार अजय, लुक एट योर डैड, हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि? मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्यूटी एट रेगुलर इंटरवल्स जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्यूटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्यूटी प्लान्स दे एन्यूटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC, हर पल आपके साथ। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का
सटीक विश्लेषण। हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।